कि हैरानगी होगी आप सबको सुन के कि मोमल ने एक्चुअली शो बिजनेस में या जो काम टीवी पे शुरू किया वो शादी के बाद किया है. शादी के बाद किया एंड उसमें जावेद शेख, शहजाद शेख, बैरो सब्जवारी, सलीम शेख या और भी कोई खानदान में शहरो सब्जवारी किसी का ताल्लुक नहीं था. द मैन बिहाइंड वॉज नादिर नवाज. तो तुम्हें क्या पहले इजाजत नहीं थी शादी से पहले या कभी क्या? सोचा भी नहीं था. हाँ. निदा जी हमेशा प्रोडक्शन करनी थी. हाँ. इवेंट मैनेजमेंट के बाद प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन के बाद एक्टिंग का एज सच नहीं था. बट नादिर ने मुझे इनकरेज किया कि व्हाई नॉट, अगर तुम कर सकती हो, ऑडिशन ही है ना. हाँ. और एक दफा दो, दो दफा दो, तीन दफा दो. हाँ. जाओ तो बढ़ो, तो आगे. हाँ. तो बढ़ो. That was a literally shocking for me. क्योंकि आप अपने मुआशरे में जो आगे पीछे लोगों को देख रहे होते हो उनसे तो आप ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कोई मर्द अपनी औरत को काम के लिए भेज रहा है. वो भी टीवी पे, वो भी टीवी पे. यहाँ थोड़ा सा लोगों का वो होता है. I kid you not कि काफी दोस्तों ने डिस्करेज भी किया, नादिर को फोन करके बोला भी. आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, एज आदमी बहुत सारे डॉक्टर्स भी मुझे फ़ोन कर करके कहती थी कि हमने मेडिकल किया, पढ़ाई की, लेकिन हमें शादी के बाद वो सब छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारे ससुराल वालों को और हमारे हस्बैंड को नहीं पसंद था. बस उनको डॉक्टर से शादी करनी थी तो कर ली, मगर फिर हमें घर बैठा दिया. घर में इलाज हो जाए बाकी घर में. हाँ, नहीं शो भी तो माननी होती है कि मेरी बीवी डॉक्टर है. घर में, घर की, घर की डॉक्टर. सो नादिर जो है, ऐसा क्या आपका माइंडसेट था जो कि हमारे आदमियों का शायद नहीं होता कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है और वो कुछ ज़िंदगी में करना चाहती है, क्या था आपका माइंडसेट? देखें, मैं तो सिर्फ ऑफकोर्स मोमल का तो था. एंड व्हेन शी आस्क्ड मी, शी सेड के शादी के बाद काम का इसने मुझसे जिक्र किया था. ऐसा जो करना है करो, राइट. मैंने दो तीन चीज़ें बिल्कुल कही थी कि प्रायोरिटाइज करना तुम्हारा काम है. हाँ. राइट, कि घर में बच्चों को, फैमिली को. हाँ. इन सबको प्रायोरिटी देनी है. सो ये नहीं हो कि आप काम में इतना चले जाओ, इतना बिजी हो जाओ कि आप घर को छोड़ मतलब दो. आप बराबर करना है. एग्जैक्टली, हर चीज़ को साथ लेके चलना है. राइट, सो आई सेड जिस दिन ये लगेगा कि नहीं कहीं एक जगह कम हो रहा है या कहीं से मुझे लगेगा कि घर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है या फैमिली को ध्यान, सो देन आई विल टेल यू. राइट, देन यू नीड टू कट डाउन. राइट, especially because अच्छा, इसमें भी tell you cut down, not के वो घर बैठोगी तो, you know, like आप बैठ के mutually बात और discuss कर सकते हो. अगर कोई बीच में problem भी आ जाए कि अच्छा ठीक है आपकी, अगर क्योंकि देखिए डॉक्टर्स की भी टाइमिंग्स बहुत मुश्किल होती जी, है. राइट, बिल्कुल. सो अगर आपको ओवर टाइम करना है या बाहर है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैंने नादिर तुम्हें कट किया, बट ये बहुत मुझे एकदम से दिमाग में आया कि मैं इनका ये जिक्र करूं कि ये सिर्फ इस फील्ड के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम बाकी सारी फील्ड्स के बारे में भी बात कर रहे हैं कि अपनी औरतों, घर की औरतों को, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपकी बहन हो या बेटी हो, इनकरेज करना चाहिए कि वो बाहर जाएं और काम करें, एज फार एज कि वो मेंटेन कर सके अपने घर में भी. अपने मुश्किल होता है, देखो हर कोई इतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाता. मुझे ये पता है कि तुम्हारी स्किल है ये, तुम मैनेज करती हो चीज़ों को. मुश्किल होता है, क्यों नहीं मुश्किल होगा, हर चीज़ आसान नहीं होती ज़िंदगी में. हाँ. लेकिन आपको फिर आप जब घर आप घर आते हो और आप ये सोचते हो कि आप बच्चों के पास आ रहे हो. हाँ. आप अपने हस्बैंड के पास आ रहे हो या अपने ससुराल में आ रहे हो, तो वो फीलिंग आपको अंदर रखनी है. हाँ. राइट, कि वो फीलिंग थके हारे और शक्ल आ रहे और ये क्यों बैठ के आप मुझसे बात कर रही हैं, या अब सास आ गई, अब ससुर आ गए, अब नादिर कह रहे हैं खानदान में भी चलो और ये भी करो और बच्चों को. नादिर, ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि शोबिज इंडस्ट्री की लड़की से शादी कर रहे हो? आपकी फैमिली बिल्कुल ही शोबिज से अलग थी. होता है ना फिल्म स्टार की बेटी, फिल्म और ड्रामे और हमारे आपको पता है ना क्या कॉन्सेप्ट होता है. सो वो वाली प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी आपको? कुछ भी नहीं था. देखें, जैसे मैंने कहा, सो एक चीज तो मैं खुद भी कहूँगा, मैं कोई अपनी यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा, बट अकेले नहीं हो सकता. हाँ. सो अगर मैं मोमल को इजाज़त देता था या देता हूँ कि काम करो. हाँ. तो मैं ये नहीं कह सकता फिर बच्चे खुद पल जाएंगे. हाँ, राइट. सो हाँ. उसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, विच वाज वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर मी, कि जब हम अमेरिका गए थे, जब इब्राहिम पैदा हुआ था. हाँ. तो मोमल तो ऑफकोर्स सर्जरी में थी, तो वो इब्राहिम को लेके आए. पहला बेबी था हमारा, घर का कोई भी नहीं था, सिर्फ आंटी थी साथ. एंड मैंने मोमल, मैं सर्जरी में साथ ही था, तो जब जा रहे थे मैंने उसको बोला मैं साथ जाता हूँ, देखता हूँ क्या है. तो मैं चला गया और उसने जाके ना इब्राहिम को जाके एक जगह पे रखा और उसने बोला हे यूगो. हाँ. तो मैं बोला जी. तो मैं उर्दू में बता देता हूँ. हाँ. कहती है चलें आपका. हाँ. बच्चा है, खुद ही पैम्पर चेंज करें, खुद ही साफ करें, खुद ही मैं थोड़ी.
तो मैंने एकदम से उसको देखा, मैंने बोला ये मेरा पहला है, तो उसने बोला तो मैंने कौन सा कहा दूसरा तीसरा है, हाँ। तो स्टार्ट तो करो, सीखो हाँ। तो सही हाँ। वो पैम्पर लाई, उसने मुझे पकड़ाया, उसने बोला खुद ही बांधो, खुद ही खोलो, खुद ही करो। बहुत बार उस वक्त तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मोमल करेगी, राइट हाँ। तो मैंने खुद ही किया, फिर अगले दिन शावर देना था हाँ। वो आई कहती है शावर दे हाँ। तो मैंने बोला ये इतनी सी चीज है, पहली बार शावर कैसे दे, कह रही है ये इस तरह करें, ये करें, ये करें हाँ। आप शावर दे हाँ। राइट, मैंने शावर देना शुरू कर दी राइट। मैं एंजॉय भी बहुत कर रहा था क्योंकि बेटा जो भी था, खैर उस वक्त मुझे पहला बच्चा है राइट, तो मैं कर भी रहा था, बट एट द सेम टाइम मैं ये कह रहा था कि करना चाहिए राइट। सो आपको ये करना पड़ेगा हाँ। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अगर मोमल को मैं इजाजत दे रहा हूँ काम करने की, फिर मैं ये भी एक्सपेक्ट करूँगी यार बच्चे भी आप देखो हाँ। घर भी आप चलाओ, मेरी चीजें भी आप देखो, तो हाँ। आप नहीं कर सकते। सो हाँ। आपका 50-50 सिंपल